नमस्कार, मैं ऋतु। वास्तु शास्त्र के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे, अगर हम कोई प्लॉट ले रहे हैं या हमारे पास खुद की जगह है, तो किस प्रकार से वो हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है। तो हमारे शास्त्र साथ है शास्त्री जी। शास्त्री जी नमस्कार। शास्त्री जी, किस प्रकार से हमारे पास अगर जगह है या हम किसी की जगह मतलब जगह खरीद रहे हैं, तो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है या लाभकारी है, तो हम किस प्रकार से जानेंगे, किस प्रकार से उसका परीक्षण करेंगे। जानने के लिए बहुत सारी इसमें शास्त्र में विधियां दी गई हैं। एक तो ये कहा है, स्फुरिताचा सशल्याचा। स्फुरिता माने होता है जैसे कि जमीन है कोई और बीच बीच में पानी भरने के बाद बीच बीच में फट जाती है, जिनके हम वो डेले निकालें तो इतने 20-20 किलो के निकलते हैं, तो वो होती है स्फुरिताचा। और सशल्या, शल्य कहते हैं हाड़ वगैरह को, बाल हैं, हाड़ हैं, हड्डी वगैरह ये निकलें। तो बलमीक आरोहिणी, बलमीक कहते हैं बांबी, बांबी समझो, आरोहिणी दूरता परिहर्तव्या, दूर से ही उसका परिहर्तव्या माने उसको दूर से ही त्याग दे, क्योंकि कर्तुरायु धन अपहा। कर्तु माने जो करता है, गृह मकान बनाने वाला है, तो आयु माने उम्र को और धन को, अपहा माने नाश करने वाली होती है। सबसे पहली तो ये मान लीजिए तुम्हारे वहां बामी भी नहीं है और खोदने में हाड़मांस नहीं निकल रहे, लेकिन फिर भी परीक्षण करना है जी। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस जगह पर यदि घास फूस बहुत अच्छे हरे हरे उग रहे हैं, तो उसको आप आसानी से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, ऊसर भूमि में कभी भी गृह निर्माण नहीं करना चाहिए, वो भी हानिकारक है। फिर भी मान लो कि तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है, ना तो चटकी पटकी है, ना ही हड्डी निकल रही है और बांबी भी नहीं है और हरी भरी घास भी है, फिर भी भूमि परीक्षण के लिए शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। इसके लिए नियम श्लोक में आया है कि एक हमें गड्ढा करना है। किस प्रकार से लिखा है कि खातम भूमि परीक्षणे कर्मितम करम इतम। खातम, खात कहते गड्ढा को, खात गड्ढे को इतना गहरा खोदना है कि कर्मितम माने, कर माने होता है हाथ, हाथ का मतलब एक हाथ, एक हाथ की लंबाई यहाँ से नापी जाती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे नाप लेते, इसको हाथ की लंबाई कहते। करम इतम, एक हाथ की लंबाई के बराबर खातम भूमि परीक्षणे कर्मितम तनपूर ये मृदा। उसको फिर पहले गड्ढा करो, ठीक है, और फिर वही जो मिट्टी निकली है उसी से उसको पूरयेत मृदा, उसी मिट्टी से उसको फिर भरो, ठीक है, पहले खोदो फिर भरो। अब उसमें क्या करना है, वो जो मिट्टी बची है तुम्हारे पास, तो उसमें अगर जो तुम्हारी मिट्टी के लिए फिर आया है कि हीने हीन फलम समीर सम फलम लाभार रजो वर्धने, लिखा है कि हीने, अगर जो तुमने गड्ढा खोदा एक हाथ का लंबा, एक हाथ की ये लंबाई है, जैसे ये एक हाथ की लंबाई है, तो ये एक हाथ की लंबाई प्लस ये एक हाथ की लंबाई, इतना गहरा गड्ढा खोदा। अब इसको क्या करना है कि अब इसको पहले खोद दिया, फिर उसको भरेंगे, भरने के बाद अगर जो मिट्टी, तो मिट्टी जो है उसके लिए आया कि हीने माने कम पड़ने में, हीन फलम समय सम फलम, हीन माने कम पड़ जाए तो हीन फल समझना चाहिए, समय सम फलम, सम माने बराबर हो जाए, ना घटे और ना बढ़े, तो उसमें वो सम फल बताया गया है। और उसमें ये कहा गया है,
हाँ तो यही जो है तो हीने हीन फलम, हीन कम पड़ने पर हीन फल समझो, समय सम फलम बराबर पड़ जाए तो बराबर है, ठीक ठाक है। और लाभो रज वर्धने, रज माने होता है धूल मिट्टी जो तुमने खुद के निकाली है, अगर जो बच जाए तो जान लीजिए कि इससे लाभ। लाभो रज वर्धने एक परीक्षण, श्लोक एक है और परीक्षण दो बताए गए हैं। अब इसके बाद आया है तत्कृत्वा जल पूर्णमाशत पदम गत्वा परीक्ष पुनः। इसके बाद तत्कृत्वा जल पूर्णमाशत पदम, उस गड्ढे को फिर निकालो जी। फिर खोदो, जो खोदा है उसको फिर मिट्टी निकाल, अब तुमने एक परीक्षण कर लिया कि मिट्टी कम पड़ी या ज्यादा पड़ी, ठीक है उसको फिर निकालो। फिर कहा है कि तत्कृत्वा जल पूर्णमाशत पदम, उसको फिर खाली किया, ये इसमें तुम्हें जल से पूर्ण रूप से यहां तक भर देना है, ठीक है। और आशत पदम माने 100 पैर तक आपको गत्वा जाना है, और वहां से जाकर के फिर आना है। फिर कहा है शत पदम गत्वा परीक्ष पुनः, जाकर के फिर लौट के आके उसके परीक्षण करो जी। क्या परीक्षण करना है, इसमें लिखा है पादो नार्ध विहीन के, पादोन अर्ध विहीन के, पादोन कहते हैं एक चरण को, जैसे कि टाइम पूछते हैं तो संस्कृत में टाइम जैसे कि कह दिया जाए कि 4 बजे हैं तो कितने बजे माने चतुर्वादने कहते हैं, लेकिन सवा 4 होता है तो सार्ध चतुर्वादने, सा अर्ध नहीं ये 4:30 होता है, सपाद चतुर्वादने है ना, और फिर सार्ध चतुर्वादने माने 4:30, और 4:45 को कहते हैं पादोन पंचवादने, पाद ऊन माने, पाद ऊन माने एक चरण कम है 5 बजने में, एक चरण चौथाई को चरण बोलते, तो इसीलिए यहाँ आया है पादोनार्ध विहीन केथ निभृते। पादोन एक यदि यहाँ से तुमने भरा हो, अगर जो 4 इससे ये हो गए, ठीक है ठीक है, अगर जो इतने में तुम्हें यहाँ तक पानी मिले तब तो तुम ठीक समझो, लेकिन अर्धविहीन के आधा यदि हो जाए तो इसका अलग फल है, और इसके बाद उससे भी थोड़ा कम हो जाए तो यहाँ पर लिखा है मध्याधमेष्ट अम्बु भी। मध्य माने ठीक ठाक, अधम माने सबसे बेकार, इष्ट माने सर्वश्रेष्ठ, यदि यहाँ से कम हो जाए तो ये हो गया अधम, ठीक है जी। और यदि यहाँ से थोड़ा यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक यदि आ जाता है तो ये हो गया तुम्हारा मध्यम, ठीक है। और ये यदि पादों ने लिखा है पाद एक चरण तक पानी यदि कम हुआ है तो ये हो गया इष्ट, इष्ट माने मन इच्छित। ये एक परीक्षण, आप एक श्लोक में 2 परीक्षण दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी की पहचान कर सकते हैं बड़े आसानी से कि हमारी जमीन ये हमें खरीदने के बाद, मकान बनाने के बाद हमें लाभ करेगी या हानि करेगी। इसीलिए इसको, इस श्लोक को बड़े आसानी से मैं आप सभी लोगों को डिस्प्ले पर शो भी करा रहा हूँ। तो इसका श्लोक इस प्रकार से चलेगा, खातम भूमि परीक्षणे कर्मितम तत्पूरये तन्मृदा हीने हीन फलम समे सम फलम लाभो रज वर्धने तत्कृत्वा जल पूर्णमाशत पदम गत्वा परीक्ष पुनः पादो नार्द विहीन केथ निभृते मध्याधमेष्ट अम्बुभि। मध्य अधम इष्ट अम्बुभि, अम्बुभि माने जल के द्वारा आप मध्य अधम इष्ट आप अंदाजा लगा लें किस प्रकार से, कि अगर जो यहाँ से कम रहे तो अधम, बीच में आ जाए तो मध्य, और ऊपर बना रहे पानी ज्यादा भरा रहे तो फिर, या पूरा रहे या फिर चौथे चरण तक खाली हो जाए तो कोई फर्क नहीं। 100 पद का मतलब एक व्यक्ति कितना, बहुत ज्यादा 60 सेंटीमीटर का कदम तो 60 मीटर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी पृथ्वी हमारे लिए लाभकारी है।
या नहीं, अब इसके बाद। और शास्त्री जी, हम जो ढलान के हिसाब से जगह में अगर ढलान है, उस हिसाब से कैसे जानेंगे कि वो हमारे लिए लाभकारी है या फिर हानिकारक है? ढलान के हिसाब से कैसे लाभकारी है या हानिकारक है जी, इसके लिए वास्तुशास्त्र की पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिया है कि स्यादुन्नति पूर्वनते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे क्षयो धनानाम विनते प्रतीच्याम। क्षयो धनानाम का मतलब होता है धन का नाश होता है। उच्चई विनाशो ध्रुवम उत्तरेतु, इससे ही सारा अंदाजा लगाया जा सकता है। लिखा स्याद उन्नति पूर्वनते नराणाम, व्यक्ति की उन्नति होती है कब? पूर्व नत माने झुका हुआ, वो माने पूर्व की तरफ ढाल, अर्थात हम इसको हम आठ प्रकार से लेते हैं, ठीक है। तो पूर्व नते नराणाम, पूर्व का मतलब ये ऐसी हो गई, ये उन्नति हो गई, ठीक है। स्यादुन्नति पूर्वनते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे, चूंकि ये इधर झुक गया तो अब आया है दक्षिण भाग तुंगे। दक्षिण भाग के ऊंचे होने पर वास्तव धनम, इससे धन होता है। दक्षिण भाग ये होता है, ये भाग ऊंचा हो, ये जो है ना ये हो गया नीचा और ये ऊंचा, तो इससे क्या स्याद उन्नति दक्षिण भाग तुंगे, ये हो गया दक्षिण भाग तुंगे। स्याद उन्नति पूर्व नते नराणाम वास्तव धनम, इधर धन आएगा, धनम इधर धन की वृद्धि होगी, ठीक है। दक्षिण भाग तुंगे क्षयो धनानाम विनते प्रतीच्याम, अब इससे अंदाजा लगाए। प्रतीची कहते हैं पश्चिम दिशा को, ठीक है। अगर जो अब इसमें हम अगला बना लें, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर जो ये इधर को विनते माने झुका हुआ हो तो ये है क्षयो धनानाम विनते प्रतीच्याम, ये धन को क्षय करने वाली होती है, ठीक है। क्षयो धनानाम विनते प्रतीच्याम उच्चई विनाशो ध्रुवम उत्तरेतु, अगर जो ध्रुव माने उत्तर भाग, उच्चई माने ऊंचा हो, तो इसको हम जैसे कि ये ऊंचा है तो ये हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण है, ठीक है, ये विनाश करेगा, ठीक है, विनाश करेगा, ठीक है, ये हो गया। माने अब ये चार तो बन गए इस सूत्र से, अब कुछ बना लेते हैं। जैसे कि ये है तो ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। अब मैं और आपको बताना चाहूंगा, उठाना, तो इससे क्या है, अब मैं बताना चाहूंगा आपको आठ प्रकार से। इतना तो इस श्लोक के हिसाब से हो गया, इसमें और थोड़ा विस्तार देते हुए आठ प्रकार से मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार से ये होता है। तो इसमें आठ प्रकार से हम ढाल देख सकते हैं। अगर जो हमारी पृथ्वी इस प्रकार से ढाल हो, कोई पृथ्वी होती है कि दक्षिण की तरफ ऊंची होती है और वो उत्तर की तरफ ढाल हो जाती है, वो जमीन खरीद लेने में सुविधा है, लाभ है। और पश्चिम की तरफ ऊंची हो और पूर्व की तरफ नीचे हो, आप खरीद जमीन को ले सकते हो। इसी प्रकार से हम घर के ढाल को भी हम निश्चित करते हैं। तो इसमें हम जैसे ये ले लिया, ठीक है, एक दो तीन और ये चार, ठीक है, और ये एक दो तीन
चार, ये इस प्रकार से है। हम घर के ढाल को या प्लॉट को हम इस प्रकार से भी देख सकते। अब मैंने बता दी थी उसी हिसाब से, एक ये अगर जो ले लिया, ठीक है, इधर को ऐसे अगर जो तुम्हारी ये झुकी है तो ये लाभकारी है, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ से, चूंकि उसमें लिखा था कि उच्चई विनाशो ध्रुवम उत्तर हेतु, अगर जो उत्तर भाग ऊंचे पर है तो विनाश होता है, तो हम इसको दक्षिण भाग को हम ऊंचा कर दें और इसको नीचा कर दें, ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, अगर जो ईशान की तरफ ये ढाल है तो फिर ये भी आपकी काम की है। और इसके बाद अगर जो ये ऐसा दक्षिण भाग और अग्नेय भाग ये जो है ना, ये ऊंचा हो, ऐसा ये ढलान ऐसी हो, तो भी आपके लिए लाभकारी है, और ये घर में भी इसी प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है। अब कैसा नहीं दिया जा सकता ये, ठीक है, कभी नहीं दे सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये मैंने ये बताया ना, ये तो इसको उल्टा करो, तो ये ऐसे कर दो, ठीक है, ये ऐसे कर दो, और ये ऐसे, ये है, ये नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको ले लेते हैं, तो ये अगर जो ऐसे, ठीक है, ये हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हम ऐसे, ऐसी यदि जमीन तुम्हें मिले तो इसमें दिक्कत होती है, ठीक है, ऐसी जमीन नहीं। अब घर जैसी जमीन के लिए एक बात और बता, जैसी घर है जमीन के लिए बताया गया है, भूमि ऐसी बताई गई, अगर जो उसी हिसाब से हम घर को भी डिजाइन करके ढाल दे दें तो इससे उसी हिसाब से लाभ होता। अगर जो तुम्हें यहाँ से ऐसे, ये सर्वश्रेष्ठ है, अगर जो सारा पानी उतार के तुम्हें यहाँ ले आओ, ये बहुत अच्छा लाभकारी होता है, ये भी लाभकारी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तर की भाग नीचे कर दिया और ये इधर को तुमने नीचे कर दिया तो भी चलेगा, ये इधर से भी निकाल सकते पानी, कोई बात नहीं। इस प्रकार से लेकर ये ऊँचा जो है, ये जो अगर जो ऊंचा करके और इधर से पानी निकालते तो घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकेगी, और वो तो श्लोक से बता दी सियाद उन्नति, इस हिसाब से। तो इस प्रकार से हम इसके ढलान से भी हम उसको समझ लेते हैं, तो ढलान से भी होता है, तो इस हिसाब से हम वास्तु शास्त्र में बहुत बारीकी से कहा गया है, तो इस हिसाब से हम समझ लेते हैं, ठीक है, हो गया बस। आज आपने समझा कि किस प्रकार से जो हम ढलान, जो हमारे घर में अगर ढलान है जगह में, तो किस प्रकार से अगर ढलान ये जो आप देख रहे हैं जो सही है, तो इस श्लोक के माध्यम से भी शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बताया। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।